jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक लड़के ने फेसबुक पर लड़की से दोस्ती की, उसकी फोटो एडिट कर अश्लील बना दिया। इसके बाद फोटो दिखाकर लड़की से 10 लाख रुपए के जेवर और रुपए एंट लिए और उसकी शादी टूट गई। फिर उसने लड़की को राजीनामा करने घर पर बुलाया और पानी में नशीली दवा पिलाकर रेप कर दिया। परेशान होकर लड़की पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। करीब 5 साल पहले एक निजी कंपनी में काम करने वाली लड़की की दोस्ती फेसबुक के जरिए ऋषभ कपूर नाम के लड़के से हो गई। ऋषभ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है। 2 साल तक तो लड़की के साथ ऋषभ की फेसबुक पर चैट होती रही। इसके बाद ऋषभ ने युवती के फेसबुक पेज से कुछ फोटो लिए और उन्हें एडिट करके अश्लील रूप दे दिया। इसके बाद ऋषभ ने एक पार्क में लड़की को मिलने के लिए बुलाया और अश्लील फोटो दिखाए। फोटो देखकर वो डर गई और उसने ये फोटो वापस मांगे। ऋषभ ने इसकी कीमत मांगी। लड़की ने उसे रुपए और अपने जेवर दे दिए। इसके बाद ऋषभ उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा और करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और रुपए एंटे। यहां तक उसकी शादी भी ऋषभ ने तुड़वा दी। लड़की ने ऋषभ को पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो उसने 13 नवंबर को घर पर राजीनामा करने के लिए बुला लिया। लड़की ऋषभ के घर पहुंची। यहां पर ऋषभ की मां भी मिली। मां ने लड़की को पीने के लिए पानी दिया। पानी पीते ही बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। ऋषभ ने घर पर ही उसके साथ रेप किया और कहा कि उसके राजनीतिक नेताओं से संबंध है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंत में लड़की सोमवार की रात को पड़ाव थाने में पहुंच गई और उसने ऋषभ कपूर के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करा दी। पड़ाव थाने के TI संतोष सिंह का कहना है कि मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। लड़की ने वे फोटो भी दिए हैं जिन्हें ऋषभ ने एडिट करके ब्लैकमेल किया था। उधर ऋषभ अपने फेसबुक अकाउंट से सभी फोटो और पोस्ट डिलीट कर दी है और गायब हो गया है। पुलिस उसे खोज रही है।